नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन होने वाला है। अब यार जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मतलब उन्होंने एक बार कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा अच्छे से, और अगर नेक्स्ट सेमेस्टर भी ऑनलाइन हो गया तो फिर तो क्या ही कहने। तो हेलो जी क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो और भाई क्या हालचाल है आप लोगों के। तो आज का क्या सीन है यार, जो हमारे सेवन सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन है वो होने वाला है स्टार्ट, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कितने बजे स्टार्ट होने वाला है, 12 बजे। और अगर मैंने 12 बजे से 2-3 मिनट भी लेट कर दिया ना, तो जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे हाथ से चले जाएंगे। अब मैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से चूज़ करता हूँ, क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है। ये देखो भाई, देखो अब यार, आज हमारा रजिस्ट्रेशन था, सेवन सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन था। अब जो सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। अब इसमें क्या बड़ी बात है, तो देखो यार, 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब वो सबके लिए कंपलसरी होता है लेना। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, मतलब जो होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। अब इस ऑनलाइन सेमेस्टर में अगर गलती से आपके पास ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जो आपके किसी दोस्त ने नहीं ले रखा, और आपके उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट से बातचीत भी नहीं है जो बाकी और ग्रुप में है, तो फिर आपको पता है भैया, टेस्ट निकालने में होने वाली है बड़ी दिक्कत। तो इसलिए आज था हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एक बार आप क्लिप देखो क्या हुआ पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। तो टोटल हमारे 6 सब्जेक्ट्स हैं आई थिंक, मतलब उसमें से कुछ प्रोजेक्ट वाले भी हैं, कुछ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी है, ऐसा कुछ करके मैं एक बार दिखा दूंगा। तो फाइट जो रहती है वो रहती है 2 सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए, 2 इलेक्टिव चूज़ करने के लिए। और अगर गलती से मैंने कोई दूसरे इलेक्टिव चूज़ कर लिए तो हो जाएगी दिक्कत। अब बाकी यार, वहीं जो हमेशा की तरह साइट कैन नॉट बी रीच्ड, तो ये हमेशा की भसड़ है भाई, मतलब हमेशा की। जब इतने सारे लोग आते हैं वेबसाइट क्रैश हो जाती है। अब अगर टाइम से वेबसाइट नहीं खुली और गलती से थोड़ा डिले और हो गया, वो इलेक्टिव्स निकल जाएंगे हाथ से। तो भाई बड़ी मुश्किल से खुल चुका है पोर्टल, तो मैं फटाफट अपनी डिटेल डाल देता हूँ। तो हो जाए यार, तो ये चीज मेरे को समझ नहीं आती, इतना टाइम हो चुका है, अभी भी खुलेगा नहीं, अभी ये ड्रामेबाजी करेगा। अरे देखो, दिखाता हूँ तुम्हें कुछ मैसेजेस। इतना किसने ले लिया इंट्रूशन डिटेक्शन, 6 सीट बची है सर। अरे यही सब्जेक्ट मेरे को चाहिए था, और खुल के नहीं दे रहा, और ये 6 सीट भी अभी तक। अरे वाह भाई, आ गया, हो जा लोड। ओहो, खुल गया। एक तो सबसे पहले क्या था यार, क्यू का इंट्रूशन डिटेक्शन। एक तो सबसे पहले इसको करते हैं रजिस्टर। यार अटक क्यों गया यार, कभी कभी लगता है यार, अपना कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज है, कम से कम वेबसाइट तो अच्छी होनी चाहिए यार। थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं, ठीक है। तो जब तक रजिस्ट्रेशन खत्म होता है, मैं आपको बताता हूँ कोडिंग निंजास के बारे में। अगर आप लोग भी कोडिंग वगैरह सीखना चाहते हो, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह सीखना चाहते हो, तो आप लोग कंसीडर कर सकते हो कोडिंग निंजास का C++ का कोर्स। 4.9 स्टार की रेटिंग दे रखी है उसे गूगल एंड फेसबुक पर। काफ़ी यार स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स बना रखा है, और यार हिंदी में कोर्स बना रखा है, जिससे समझने में आसानी होगी। अब जिन लोगों ने कोर्स बना रखा है यार, वो खुद मतलब काफ़ी तगड़े बंदे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज क्रैक कर रखी है, फेसबुक, अमेज़न, ये सब। अब कोई भी नई चीज़ सीखते टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो आती है डाउट्स। अगर डाउट्स सही टाइम पे क्लियर ना हो तो डाउट्स बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो कोडिंग निंजास में आप लोग यार 1-to-1 डाउट सॉल्व कर सकते हो, एंड आप लोगों का डाउट सॉल्व हो जाएगा विद इन 1-to-2 आवर्स। अब C++ के भी अलावा काफी सारे कोर्सेज और हैं, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब मेक श्योर आप लोग 16 से पहले रजिस्टर कर लेना, अगर आप लोगों को 15% डिस्काउंट चाहिए। एक बार आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया, फिर आप यार 20th of June तक एनरोल कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को और डिटेल्स मिल जाएगी, जरूर चेकआउट करना। तो भाई फाइनली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं सब्जेक्ट्स बताऊं तो ये देखो यार, ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ये कंपलसरी हैं। जैसे बीटेक प्रोजेक्ट 1 एक मेजर प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद एक ट्रेनिंग सेमिनार करके, इसमें जो भी इंटर्नशिप वगैरह होती है उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। उसके बाद है डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग, देन इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। वैसे मैंने प्लान बताऊँ क्या कर रखा था, ये लेने का प्लान कर रखा था, आ गया ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था, एंड सारे दोस्त यहीं ले रहे थे मेरे सब्जेक्ट, लेकिन उसके बाद ये भी फेल हो गया। और फाइनली मेरे पास ये सब्जेक्ट आया फिर, वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। मैंने इस बार सोचा, मैंने यार MOOC ही ले लिए, 2 MOOC लेने होते हैं, तो मैंने MOOC ले लिए।
अब एक बार मूक की फुल फॉर्म मेरे को भी नहीं पता, मूक की फुल फॉर्म देखते हैं क्या होती है, कोर्सेज वगैरह होते हैं कुछ, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता मेरे को। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, तो जो मूक है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, तो मैंने क्या प्लान कर रखा था, अगर ये सेमेस्टर भी ऑनलाइन होता है ना तो मूक नहीं लेंगे, मूक लेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि जो सेमेस्टर ऑफलाइन होगा वहां पे मूक लेने का फायदा है, क्योंकि ऑनलाइन तो वैसे ही निकल जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ, कोई सब्जेक्ट ढंग का बचा ही नहीं था, इसलिए मैंने सोचा इस बार मूक लेके काम खत्म करते हैं। हाँ, तो कुछ ऐसा ही था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब हमेशा की तरह साइट तो काम करती नहीं है, साइट हमेशा क्रैश हो जाती है। तो जहाँ मैंने उम्मीद लगा रखी थी कि यार 12:02 या 12:05 तक एटलीस्ट जो वो है पोर्टल वो खुल जाएगा, तो वो खुला नहीं, वो आराम से खुला कब तक, 12:20, 12:25, 12:30 तक। और तब तक जो सब्जेक्ट मेरे सारे दोस्तों ने लेना था और जो मेरे को भी चाहिए था, ताकि वो है ना मतलब नंबर वगैरह अच्छे आ सके, तो वो सब्जेक्ट हो गए खाली, मतलब उसमें सीट्स बची 0। ठीक है, अब मैं पूरी कहानी बताता हूँ, ये स्टार्ट कैसे होता है। तो आई थिंक यार 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर, मतलब मेरे को अच्छे से याद नहीं है। तो हमें चूज़ करने थे सब्जेक्ट। अब मेरी मेंटालिटी बताऊँ क्या थी, मतलब यार अब मैं इंजीनियरिंग में आया हूँ, मैं खुद के डिसीजंस खुद लिया करूँगा, तो जिस सब्जेक्ट में मेरी रुचि है मैं वो सब्जेक्ट चूज़ करूँगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने सब्जेक्ट चूज़ करे। और एट द एंड हुआ क्या, मतलब वो सब्जेक्ट ना मेरे किसी दोस्तों के पास नहीं थे, तो इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है उसमें लग गई। तो मैंने उसके अगले बारी से डिसाइड कर लिया था मैं ऐसे सब्जेक्ट्स लूंगा, मतलब हाँ जो मेजॉरिटी ऑफ मेरे दोस्त ले रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इससे इन्फ्लुएंस मत होना कि भैया हम भी ऐसे ही सब्जेक्ट लेंगे। अब मेरी जो सीजी थी वो थी यार 6.93 में मैं मतलब यार 90% कंपनीज में तो वैसे ही नहीं बैठ सकता। तो इसीलिए मैंने क्या डिसाइड करा, मतलब एक बार को इंटरेस्ट थोड़ा साइड रखते हैं, सीजी पे बढ़ाने पे ध्यान देते हैं। हाँ, तो भैया आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप लोग वो सब्जेक्ट चूज़ करना, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि अजय ने ये करा तो मैं भी ये करूँगा, भाई मजबूरी थी, सीजी पे की मजबूरी थी। हाँ, तो इस बार भी कुछ यही सीन हुआ, सॉफ्टवेयर क्रैश वाला, और मेरा पोर्टल तब खुला जब भैया सब में सारी सीट 0 हो चुकी थी। तो इसलिए मैंने एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। तो ये थोड़ा फैंसी सा सब्जेक्ट लग रहा था, तो मैंने सोचा यार मोबाइल में तो इंटरेस्ट है ही अपना, वायरलेस वगैरह वाईफाई वगैरह पता है, तो निकाल लेंगे सब्जेक्ट भी। अब सीन क्या हो चुका है, मतलब मैं और एक मेरा फ्रेंड आदित्य, ठीक है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में था, वो भी मेरे साथ, तो हमारी दोस्ती वहाँ से बहुत गहरी हो गई थी, क्योंकि वहीं है, मतलब दोनों पे सेम चीज़ बीती थी, तो वहाँ दोस्ती गहरी हो जाती है। अब हम दोनों ने ले तो लिया ये सब्जेक्ट, लेकिन अब हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ दोस्त हैं उन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं लिया, तो अभी देखते हैं आगे क्या रहने वाला है सीन। तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर का क्या सीन है आप देखो, और मैं भी श्योर नहीं हूँ बिल्कुल। जो CRs वाले ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आती है, जो डीन हैं उन्होंने बताया कि नेक्स्ट सेमेस्टर भी शायद इसी पैटर्न पे फॉलो होगा, और नेक्स्ट सेमेस्टर भी शायद ऑनलाइन ही रहने वाला है। अब कन्फर्म नहीं है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं।